नमस्ते जनता, आप देख रहे हैं शाही भोज। आज अपन बनाने वाले हैं मैगी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो मेरे घर में मैगी के बहुत सारे पैकेट रखे थे और मुझे वो 2 मिनट वाली पानी वाली मैगी नहीं खाना था, तो मैंने कुछ नया ट्राई किया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी का नाम है मैगी भेल और सामग्री कुछ इस प्रकार है। तो मैंने ये 3 पैकेट मैगियों को अच्छे तरीके से तोड़ लिया है। ये मैगी मसाला, ये 1 कप मुरमुरा है, भेल बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है मुरमुरा, 1/2 कप धनिया, 3 छोटी प्याज, 1 टमाटर। तो सबसे पहले प्याज को बारीक काट लें, इसके बाद अपन टमाटर को भी बारीक काट लेंगे और फिर धनिया को भी बारीक काट लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई ले लें, उसमें अपन मैगी को 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम में। मैगी रोस्ट हो चुकी है, अब अपन इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके बाद अपन इसमें सब चीज मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसमें प्याज डालिए, उसके बाद इसमें टमाटर डालिए, इसके बाद इसमें अपन मुरमुरा डालेंगे। मुरमुरा को मैंने भुंजा हुआ ही खरीदा था मार्केट से, आपको भी इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद अपन इसमें बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और फिर डालेंगे अपन मैगी मसाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं अपनी स्पेशल चटनी डाल रहा हूँ, जिसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। इसमें मिर्ची, अदरक और नींबू है, तो इसके बाद अपन को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अपन स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक होता है, और 1 चुटकी चाट मसाला, और इसको अपन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, अब इसको अपन कोई भी बर्तन में निकाल लेंगे और ये आपकी मैगी भेल तैयार है। अपनी फैमिली वालों को सर्व करें, अगर उनको ये पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये मैगी भेल मैं अगली वीडियो में भी यूज़ करने वाला हूँ, वो भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।